गट्टू डोन ने काट दिया 6 साल के मासूम ध्रुव का गला, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं जानवी गुप्ता और आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और आप सबके सामने आज बहुत ही दुखद समाचार लेकर आए हैं। आइए आपको बता देते हैं क्या है पूरी खबर। रक्षाबंधन 2 दिन पहले बीत चुका है। पतंगबाजी के शौकीन भी छतों से नीचे उतर आए हैं और प्रतिबंधित गट्टू यानी चाइनीज डोर बेचने वाले दुकानदार नोट गिनने में व्यस्त है। लेकिन इसी सबके बीच शहर के सरवाल इलाके में स्थित एक घर में सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। आंखों से आंसू दर्द बनकर छलक रहे हैं। दरअसल बात यह है कि गट्टू डोर के कारण इस घर ने अपना 6 साल का मासूम खो दिया है। बता दें, रविवार को अपने पिता व माता के साथ स्कूटी पर जा रहे ध्रुव का गट्टू डोर से गला कट गया। लाख कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और सोमवार उसने जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दम तोड़ दिया। और अब सवाल ये उठता है कि ध्रुव की मौत का जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन, जो प्रतिबंध के बावजूद गट्टू डोर की बिक्री को नहीं रोक पाया? वो दुकानदार जो चंद पैसों के लालच में इसे चोरी छिपे बेचते रहे, या वो लोग जो गट्टू डोर खरीद कर अपना शौक पूरा करने में लगे रहे? इन सब को ध्रुव की मौत का जवाब देना होगा। ध्रुव के पिता दीपक शर्मा ने बताया कि रविवार को रक्षाबंधन के दिन वे अपने बेटे को स्कूटी के आगे खड़ा कर सरवाल चौक से कहीं जा रहे थे और स्कूटी के पीछे उसकी माँ भी बैठी थी। तभी एक कटी हुई पतंग के साथ लटक रही गट्टू डोर ध्रुव के गले में फंस गई। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्रुव के गले से खून की धार निकलते हुए देखी तो वह घबरा गए। उनका कहना है, डोर इतनी बुरी तरह से गले में फंस गई थी कि उसे निकाला भी नहीं जा रहा था और मासूम की सांसें थमने लगी थी। यह देख ध्रुव की मां ने गले से डोर तोड़कर कई बार कोशिश की, जिससे उसका हाथ भी बुरी तरह से कट चुका था। वे बेबस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे और अस्पताल में लोगों की भीड़ भी जमा होना शुरू हो चुकी थी। किसी तरह से बेटे को उठाकर वह सरवार अस्पताल भागे, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने ध्रुव की जांच की तो पाया कि गट्टू डोर उसकी सांस से नली तक चीरते हुए निकल गई थी और ध्रुव के दिल की धड़कन रुक रही थी। डॉक्टरों ने पंप कर उसकी धड़कन वापस लाई और इसके बाद ऑपरेशन कर ध्रुव के गले को टांके लगाकर खून की रिसाव को बंद कर दिया गया। ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सोया रहा प्रशासन, बिक गई प्रतिबंधित गट्टू डोर। जी हां, सही सुन रहे हैं, मासूम ध्रुव की मौत ने एक बार फिर प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से गट्टू डोर पर प्रतिबंध तो लागू कर दिया गया, लेकिन रक्षाबंधन से कई दिन पहले भी शहर में गट्टू डोर बिक रही थी। लेकिन प्रशासन सोया रहा, यदि उस टाइम पर सख्ती की होती तो आज ध्रुव की जान नहीं जाती। अब कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी पर भी पतंगबाजी होगी और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन ध्रुव की मौत से कुछ सबक लेगा या नहीं। इससे पहले रक्षाबंधन के दिन भी विजयपुर में भी एक व्यक्ति का गला कट गया था। बता दें, इसी पर एसएसपी का बयान ये था कि गट्टू डोर की बिक्री पर कई दिनों से हमारी छापेमारी जारी थी। पहले गट्टू डोर बेचने पर जुर्माना होता था, लेकिन इस बार हमने 10 से 12 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया। फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यह काम करते रहे। गट्टू डोर की बिक्री को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। पर क्या एसएसपी का ये बयान काफी था? इस बयान से क्या ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है? हम गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे जल्द ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो जम्मू कश्मीर में ये गट्टू डोर इलीगली दुकानदार बेच रहे हैं और जो लोग इस गट्टू डोर का यूज कर रहे हैं, इस पे बैन जल्दी हो जाना चाहिए। हर साल ये नोटिस आता है कि इसे बैन कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इलीगली ये बिक रही है। और आज जो हादसा हमने देख लिया, आप सबके सामने ही है कि किस प्रकार से इस गट्टू डोर के जरिए ध्रुव का गला कट चुका था, एक मौत जा चुकी है गट्टू डोर के कारण। तो सरकार को इस पे जल्द ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये थे आप सबके सामने एक दुखद समाचार। देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।